गंगाधर जी, गंगाधर जी, अरे कोई है या नहीं? कौन है? अरे नमस्ते लाला जी। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई, उन्होंने हमसे पैसा लिया था और अभी तक हमारा पैसा वापस नहीं करा। अरे लाला जी, वो तो बाहर काम करने के लिए गए हैं, रह नहीं है घर पे। उन्होंने हमसे 2000 रुपये लिए थे और उसमें से कुल 700 रुपये आए हैं और सूद अभी जमा नहीं हुई, समझे? अरे लाला जी, अब थोड़ी देर तो हो ही जाती है, ऊपर नीचे एक दो दिन तो हो ही जाता है। अब वो आएंगे तो मैं उनसे बोल दूंगी, फोन आएगा तो। ना 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 ना, ऐसे नहीं, हमें टाइम पे पैसा देते हैं तो टाइम पे ही हमें पैसा चाहिए। ये नहीं है कि 4 दिन लेट और 5 दिन लेट, समझे? हमें टाइम पे सूद चाहिए, टाइम पे ब्याज चाहिए और टाइम पे हम पैसा लेंगे अपना। लाला जी, वो कह के गए थे मुझसे कि लाला जी आ रहे होंगे, उनका पैसा टाइम पे देना है। काम नहीं था तो बाहर गए, तो कह रहे थे कि उन लाला जी से कह देना, थोड़ी देरी हो जाएगी, लेकिन मुझे याद है और शायद हो सकता है वो भेज दें ऑनलाइन। हाँ हाँ, कर्जा ले जाओ और बाहर निकल जाओ, ये बहाना बनाना बहुत बढ़िया सीखा है। चले गए घर से और देखो, सुन लो कान खोल के मेरी बात, मुझे एक टाइम दे दो कि कौन सी तारीख पे पैसा देना है, और उस तारीख पे अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो ये याद रखना तुम, मैं सब लट्टू पत्रा तुम्हारी बांध के ले जाऊंगा घर से। ऐसा है लाला जी, उनको मैं फोन करूंगी आज शाम को, बोल दूंगी आप आए थे तो एक काम करो, 3-4 दिन की मोहलत तो दे दो, आपके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, दे रहे हैं 3-4 दिन की मोहलत, मगर कान खोल के फिर सुन लो, हमें पैसा चाहिए नहीं, हम सब कुछ तुम्हारा सब ले जाएंगे, समझे, बांध बूंद के, और आगे बाद में फिर देखेंगे वो कितने बाहर जाएंगे। ये बहाना बनाने का मतलब पैसा ले और बहाना बना दो बाहर निकल जाए, बोले बाहर गए साहब, कह देना। अरे लाला जी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इस गांव को छोड़ के हम कहीं भागे जा रहे हैं आपके पैसे लेके। अब 3-4 दिन, इतने दिन रुको तो 3-4 दिन और रुक जाओ ना, गांव छोड़ के मत भागो तो पैसा छोड़ दें तुम पे। अरे मत छोड़ो, मत छोड़ो, 3-4 दिन रुक जाओ लाला। ठीक है ठीक है, बस इतना आ जाए फौरन, मेरे उस पर भेज देना। हाँ ठीक है, हद कर रखे इन्होंने भी, उनको फोन अभी करती हूँ, शाम को नहीं अभी करूंगी, इन्होंने कलेश मचा रखी है। अरे राम राम। राम राम, राम राम। और कैसे हो? अरे ठीक है, क्या बताएं बेटा, गंगाधर जी कैसे आ रहे हैं, पैसा ले लें और फिर बाहर निकल जाएं, भरते ही ना है, किस्ती ना भरे, ब्याज ना भरे, ना मूंद भरे। किसने? उन्होंने? हाँ, गंगाधर जी। अच्छा अच्छा, वो हाँ, जो है महीने न है जा मैं, और जब घर जाओ तगादा करने तो उनकी धर्म पत्नी कहते हैं वो बाहर गए, ये सबसे बढ़िया बात है, चाहे घर में ही बैठे हो मगर करें क्या, विश्वास करना पड़े। तो तुम भी 10 दिन का 10 दिन की बोलोगे, तुम 4th दिन ही पहुंच जाते हो पैसे लेने, जितने दिन के लिए बोला उसके उतने दिन पे ही जाना चाहिए ना। तुमसे जितने प्यार से बात करी है उतनी, हाँ मतलब तू उनकी तरफ से बोल रही है या हमारी तरफ से बोल रही है? मैं उनकी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं तो गाँव नाते की तरफ से बोल रही हूँ। गाँव नाते की तरफ से तो तू हमारी तरफ से बोल रही है। दूसरी बात, तुमसे किसने ले ली? तुमसे जो कोई ले बेवकूफ है, मैं तो आज तक तुमसे पैसे कभी लिए ना। ठीक है, तू अपनी फालतू में ले ली तो उसे रामा कृष्णा करना बेकार है। सुनो तो सही, एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतना पैसा है और तुम्हारे आगे पीछे कोई है ना, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, परिवार नहीं, कुछ नहीं, अकेले, मतलब पूरे अकेले ही हो तुम तो। हाँ, है? तो तेरे कहने का मतलब ये है? सुन लो पहले, अरे सुन लिया करो, सुना बगर ब्रेक की गाड़ी हो। हाँ सुनो, सुना जाके, हाँ तेरी तो बकबक बंदी ना होगी। मैं ये कह रही हूँ, ऐसी बात है, दान कर दो पैसे को, और दान कर दोगे तो हो सकता है स्वर्ग में जाने की मौका मिल जाए तुम्हें, वरना नरक में तो जगह तुम्हारी। देख, वाकई है भगवान वाले सरक के और नरक के, मेरी बात सुन ले, तेरा मतलब ये है कि मेरे पास जो कुछ भी है पूंजी वो गांव में बांट जाऊं और साथ में तोए गड्डियां दे जाऊं। तो सुन, ये सपना अपने पास ही रख, ये सपने तू देख। मेरे पास तो मैं गड्डी मांगती नहीं हूँ, मेरे ना पास ना तो नहीं है। मैं बांट दूं गांव में। और फिर दूसरी बात क्या है, अब तुम ब्याज लेते क्यों? 10 दिए 10 के 10 वापस ले लो। मैं तो ब्याज लगाएंगे, फिर वो क्या किस्त बनाएंगे उनकी। तो सुन, कैसे बिना ब्याज के तो भगवान के पास मिलेगा, उनसे लियो। अच्छा, आगे बढ़। तो वो तो तुम्हारे पास, वो तो तुम जाओगे तभी भगवान सारा निकाल लेगा, यार गरीबों का खून चूसते हो। उनके पास जाके दीदी कौन है? अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते, और बढ़िया? हाँ बढ़िया है। ऐसे क्यों बोल रही हो, कोई परेशानी है क्या? अरे क्या बताएं दीदी, बड़े दिमाग खराब, बड़ी टेंशन है जिंदगी की। क्या हो गया?
क्या बताएं, वो हमारे वो गए बाहर काम करने, या तो काम था नहीं। हाँ यही का गाँव में काम कहाँ रहे। हाँ, और खेती बाड़ी भी कर लो तो उसमें उसका उसी में लग जाता। अरे कहाँ करती हैं वो खेती बाड़ी, कहते मेरे से खेती बाड़ी ना होती है तो गए हैं कि मैं तो जॉब करूंगा। अब लाला से पैसा ले लिए होंगे उन्होंने, तो पता ना कितने दिन की बोल के रही, मुझे तो मालूम भी ना। उस दिन मुझे दिखाई कि मैं ऐसे ऐसे लाला से पैसा ले आया, अब वो लाला अभी गए हैं। अरे के घर में छुपाले होंगे, झूठ बोल रहे हैं, कहीं बाहर ना गए। मैंने मुश्किल से तो टाले 4 दिन की कह के। ओ अरे मैं अभी रस्ते में आ रही, मुझे रस्ते में ही मिल गए। अच्छा? मेरी अभी थोड़ी झड़बाजी हो गई थी। क्या कह रहे? मैं ये कह कुछ नहीं हुआ, मैं तो सुना देती तुम्हें पता है। मैं तुमसे ये कह रही तुम्हें पूरे गांव में यही मिला पैसे। अरे इससे तो दूसरे गांव में एक वो है श्यामलाल जी, उनके यहाँ से ले ली थी पैसे। अच्छा? वो बेचारे ब्याज नहीं लेते। अच्छा? ब्याज नहीं लेते एक रुपए की भी, जितने तुमने लिए उतने तुम उन्हें वापस कर दो। इस खड़ोस पैसे लिए पूरे गाँव में तुम्हें यही दिखा। अरे मैंने कहाँ लिए, अगर मैं लेती तो मैं एक आध अपनी बीवी बहन से एक आध से पूछ के राय लेती, जभी तो लेती मैं। मुझसे पूछ ले, पता नहीं कैसे ले ली, मेरे से भी ना पूछी लेने से पहले। चलो एक काम करो, अभी इसका पैसा कैसे भी पड़ जाए। ना पड़े, इसके पास बहुत पैसा है। हाँ, जैसे कहीं मान जाएगा ना। तुम लेडीज हो, जबरदस्ती नहीं करते, मेरा आदमी नहीं हूँ, अकड़ के बात करा करो इससे। अरे करो, मैं दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं, मैंने पैसा लिया, मेरा आदमी ने लिया, आदमी से बात करो जाके। बात तो यही पड़ गई ना, वो बाहर चले गए, घर होते तो वो भुगत लेते अपने, बात कर लेते। चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई बात हो तो फिर मुझे बता देना इसके। अच्छा ये बताओ, तुम जो बता रहेगा वो कितने टके पे बिल्कुल ब्याज ना देते? वो ब्याज नहीं लेते बेचारे। अच्छा? बहुत अच्छे इंसान है वो, तुम्हें अगर 5 देंगे तो तुम्हें 5 ही वापस करने पड़ेंगे। अच्छा, वो ब्याज नहीं लेते। टाइम कितना लेते हैं वो? टाइम जितना तुम्हारी सामर्थ्य है, जितना तुम मतलब 2-3 महीने तो दे देंगे। 2-3 महीना? 2-3 महीने, 3-4 महीने वो सही है। अब 2-3 महीने में क्या 5,000 रुपए का लौटाए ना जाएंगे? आराम से लौटा देना। चलो देखती हूँ मैं, उन्हें फोन कर दिया, फोन ही ना उठा रहे हैं वो, उनसे कहूंगी कि लाला आए और यहाँ तमाशा करके गए। चलो तो ठीक है दीदी, मैं चल रही हूँ। अरे ना, इतने दिन बाद आई है दीदी, चलो लस्सी वस्सी। अरे मेरा गला थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। अरे तुम्हारे बहाने से मैं भी पी लूंगी, लाला वैसे भी मूड खराब करके। चलो चलो ठंडी ठंडी आज। ये देखो माल मार के हमारी भैंस खोल रहा है मजे से, बोले पैसा पहुँचा दूंगा और आराम से। तुम ये देखो मारी जा रही है लंबी लंबी सांसें, खर्राटे मार मार के। अरे उठ जा। ए कौन है? ओ राम सिंह, ओ राम सिंह। अरे अभी सानी का समय नहीं हुआ है। ओ सानी, पैसा ना देगो? अरे मुखिया जी। ए मुखिया जी और फुगिया जी, ये बता दे तू भैंस तो ले आया बड़े उससे? अरे के मुझे दे दो, थोड़ी इनमें हाथ डालना और काना में पैर पकड़ ला के घर चल जाएगा मेरे। घर में बालक भूखे मर रहे हैं और बीवी कहाँ में नौकरी कर भी की कह रही है स्कूल में, और मेरी बड़ी बेइज्जती है रही है। हमने तेरी इज्जत रख दी, चल ले जा भैंस ये खोल के, और कह रहा है कि टाइम पे पैसा दे जाऊंगा। तू आज तक ना लौटा है, तू भैंस लेके। मुखिया जी बात है, वो हो नहीं पाए थे पैसे, मैं तुम्हें बताऊं। हो नहीं पाए मतलब भैंसिया तो हो गई, मैं दे दूंगा। आए खोल लाए अब्बा का माल समझ के, समझे? मगर काई का माल मत दियो वापस। ऐसी बात नहीं मुखिया जी, मैं दे दूंगा पैसे, मैं दूंगा नहीं तुम्हारे पैसे मुखिया जी। तुम चिंता मत करो, देखो तुम्हारे पैसे टाइम टू टाइम पहुंचेंगे। तेरी यही बातन ने मान लियो है, वादन भी तूने पैर पकड़ ले, पैर दाब मसकने लगा। देखो ऐसा है, अभी देखो अब तंगी चल रही है पैसों की, तुम्हें पता तो है ना। अब एक बात बताऊं मैं तुम्हें, पैसा कहीं से आने, ये समझ लो कि अभी दूध भी देना चालू नहीं किया भैंस ने, समझ लो। मैं तुम्हें क्या बताऊं? अब ये बता दे तू, तू क्या नाम है, दूध दे रही है कि ना दे रही है? तू मुझे तो भैंस ही ना दिख रही। मैं सुबह शाम निकलू, आज 8 दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ, मैं गंगाधर जी के जाऊँ निकल के जब अपना कर्जा लेने, तो तेरे दरवाजे पे और घेर पे देखता हुआ जाऊं। जा दिन से तू भैंस लाया, वा दिन से एक दिन ना नजर आई मुझे। मुखिया जी वो रिश्तेदारी में घूमने गई है। अच्छा रिश्तेदारी में घूमने गई है? घूमने गई है वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने बेच खाई है। नहीं मुखिया जी, कैसी ऐसी बात है? और सुन, अगर तूने अगर ऐसा कर लिया हो, बेच खाई होगी, तो ये समझ लियो खेत के 4 नौकर भेज के हाथ पैर बंधवा के और पेड़ से बांध के वो मार मारूंगा कि तू भैंसिया की तरफ काई की भैंसिया की तरफ भी ना देखा। ना ना, वो वाकई में मैं तुम्हें बताऊं, रिश्तेदारी में घूमने गई है, अब चाय पानी खा पी के आएगी बढ़िया, और फिर आ जाएगी, फिर मैं मुलाकात करा दूंगा तुम्हारे। तुम चिंता मत करो। अच्छा ऐसा भैंस आ जाएगी, मैं मिलवा दूंगा तुम्हें। ठीक है, अब जा रहा है। अब ये बताओ पैसा कब दे रहे हो तू?
मैं ये बता पहले मुखिया जी, ऐसा 8 दिन का मैं मोहलत मांग रहा हूँ, 8 दिन के बाद 9वां दिन नहीं होने दूंगा, तुम्हारे पैसे आ जाएंगे, चिंता मत करो। और बताओ ठीक है ना? अभी ठीक कहा है? अब ऐसा है, चप्पल पहन और हवेली पे पहुंच जा और वहां पे जो है ना काम कर हवेली के, हाँ 8 दिन तक, और जब पैसा आ जाए तो तू आ जाइयो। तो खेतों में काम कौन करेगा? खेतों में हम मुझे मालूम कौन करेगा, ऐसी बातें मत करो मुखिया। अब सुन ले, आंखें मत निकाल, आंखें मत निकाल, नहीं ये गोटी है ना अंदर घुसेड़ दूंगा, दो उंगलियों से याद रखियो। हाँ मैं हाथ जोड़ तो रहा हूँ। अब ना हाथ ना जुड़वाने से काम चले, अब तो तू मेरे साथ ही जाएगा। 8 दिन की मोहलत? अरे कोई मोहलत ना है, 8 दिन में पैसा दे देगा तू आ जा दे, 10 दिन में पैसा दे देगा तू आ जा दे, 15 दिन में दे देगा तो आ जा दे, आजादी तो जब मिलेगी जब तू पैसा दे देगा, जब तक कर मेरी हवेली पे काम। मेरा बस चलो तुम मुखिया जी। हाँ उठे, सुलाई मार रहा है, लंबे लंबे कर रहे थे, बाप का सा माल खोल ला मैं फूटे पैसे। मुखिया जी मुखिया जी आ जा सीधा। मुखिया जी चले चले, मैं छोड़ो ना मेरा। क्यों कहाँ छोड़ू? मान पकड़ के कहाँ लेके जा रहे हैं? ये कोई तरीका है? देखो मार रहे हैं मुझे। और झूठ बोलवाओ, झूठ मत बोलियो, सीधा हवेली चल। आदमी बोलता बहुत है। हाँ इतना बोलता है। तू तो घूमता है, तो गूंगी पैदा हुई। मैं गूंगी पैदा ना हुई, लेकिन तुम्हारी बराबर बोलती तो नहीं हूँ। अब तुम ऐसा इधर आके बात करो, उधर आके बात कर रहे हो, उधर आओ। चल नारा ना छोड़ूंगा तेरा, मैं ना मान, मैं भाग जा भाई। तू यार पहले मुझे ये तो बताओ लेके क्यों जा रहे हो इसे? अरे मैं आपको ये स्कूल लाया। किसकी? यूँ कह रहा, हाथ पैर जोड़ के, बालक भूखे मर रहे हैं, बीवी जो है नौकरी करने जा रही है, मेरी बड़ी गांव में बेइज्जती हो जाएगी। इसकी कब शादी हो गई? इसके दांत किसने देख लिया? रड़ुआ आदमी। क्यों रे तू रड़ुआ है? मैं तो झूठ बोल रहा था तुमसे। देख ले भैंस खोल लाया मेरी। तो फिर लेके क्यों जा रहे हो? सुन ले, 1 महीना है गया पूरा, और न्याय ने पैसा ना अदा करे अभी तक भैंस के। भैंस ले? हाँ, और देख झूठ भी बोल रहा है। अब कबूल रहा कि मैंने झूठ बोला, तूने खोली ये बात, तो कि ना बीवी ना बालक ना बच्चे। तब बच्चे इसके जब शादी ना हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? इसके कानों में से पैदा हो गए, इसने पैदा कर लिया। ये तो सही सही तो बोल रही है तू, ये तो देख झूठ बोल रहा है। अब इसे ले आ रहा हूँ हवेली, जब दे देगा पैसे कैसे छोड़ दूंगा ना? मैं ना छोड़ूंगा, जब तक अपना पैसे ना वसूल कर लूंगा इससे तब तक छोड़ूंगा ना। मुखिया जी मैं आज आ जाए या कोई और आ जाए? वैसे सही कह रहे हो, ऐसो के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। चलो मुखिया जी मुझे छोड़ दो, अरे छुड़वा दो, अरे बहन जी छुड़वा दो। अरे दीदी कहाँ जा रही हो? अरे कुछ ना, वो बन नल को हत्ता खराब है, और वो हत्ता लगवाई ना रहा हूँ मुखिया का नल का, तो सामने वाले नल पे भरने जा रही हूँ। बगीचे वाले पैसे ले आओ। हाँ मैं ही जा रही हूँ, बड़ी आफत आ रही है पानी की, वो ज्यादा दिन से खराब हुआ पानी, काले भर भर के लाए। ये तो सही कह रही हो। कहाँ जा रही है तुम? मैं घेर पे जा रही हूँ, साफ सफाई कर आऊँ ना। अच्छा। गोबर ओवर पड़ा उसे साफ सफाई कर आऊँ घेर घेर पे। अच्छा। गई ना हूँ दो तीन दिन से, वो क्या कहते हैं वो भैया छोटा वाला वही करता रहे, वो है ना, वो गया दिल्ली गया वो। अच्छा अच्छा। अब पढ़ाई है ना उसकी। हाँ। पढ़ाई करता हुआ तो वो चला गया। मैं ये कह रही हूँ उसके लालक पैसे दे दिए। दी जी कहाँ दे दिए पैसा? अभी ना दिए। क्यों कोई बात ही मिल रहा बात? हाँ। अरे वो जो है वो धनुआ जो है। हाँ। अरे उसे पकड़ के ले गया। काय के लिए? उसने बस वो क्या कहते भैंस के लिए पैसे लिए थे उस पैसे। हाँ। तो वो भैंस खरीद के लेके आया था, वो पैसे ना दिए अभी तक, उसे खींच के ले गया घर में से, और हवेली ले गया अपनी, और गोबर डरवा रहा है, और भैंसों की वो क्या कहते हैं साफ सफाई करवा रहा है, झाड़ू पोछा करवा रहा है अपने घर में। कल गलेबान पकड़ के खींच के ले जा रहा था। तुमने देखी? मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं तो कहीं भी छोड़ दो, वो छोड़ के ही ना आया। और मैं तो कह रही हूँ उसके और काटो पैसे दे के, फालतू में कोई नया लफड़ा बने। जी जी मैं तो कैसे ले देगी, लाला के पैसा पहले तुम एक काम करो। हाँ। तुम वहां से मैं दिलवा लाऊंगी तुम्हें। किन से? वो जो मैं बता रही थी, इसके मुंह पे मारो पैसे। दिलवा दो, ऐसा ना हो कि आज थमके और फिर कल इस वाली। तुम एक काम करना, शाम को आना घर पे मेरे, मैं दिलवा लाऊंगी पैसे, ठीक है? मैं रेड काटूंगी पैसे। हां कलेश काट दो वरना लूट लग जाएगी तुमसे। तुम बताइए जल्दी आई हो मेरे पास? हरामी आदमी है। अच्छा। हाँ वो नहीं देखता लेडीज या कौन है, ना मालूम है। ये ना नंगा नाच चौड़े में कोई लूटने वाला ना है। जाकर ना बीवी ना बच्चा ना कुछ, का कर रहा है? खा रहे पैसे में के, ये पैसे वाले बन गए। हाँ। पर ना इनके बाप दादे ने कभी पैसा देखे? हाँ ए, अच्छा। हराम की मुंह लग जाए तो बस ये समझ लो के एक बार लग जाए तो फिर वही वही भाव है।
पता ना जीजी, मैं तो चलो मैं दिला लाऊंगी तुम्हें। तुम दिब्बा और मैं तो इनके पैसे चुकाऊं। तुम जल्दी आएंगे शाम को, फिर इंतजार करूंगी फिर मैं। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। और कहाँ जा रही है? दिखाई ना दे रहा, घेर पे ही जाऊंगी। हाँ घेर पे ही जा है तू तो, सही है। हाँ और वो छोड़ दिया? नहीं छोड़ा अभी। अरे वहाँ कैसे छोड़ दूंगा, वहाँ पैसा थोड़ी दें। अभी तो रमेशा के साथ आ रहा हूँ मैं, वहाँ ने कर्ज ले लिया, वहाँ की ऐसी तैसी करके आ रहा हूँ। क्या बात है, पूरे गांव में तुम्हें पैसे वाले लग रहे हो। क्यों है? अरे है पैसा तो, जब जरूरत आवे, मतलब जरूरत भी गांव वाले मुझसे ही अपनी पूरी करेंगे, समझे? बेवकूफ है वो, पागल है, उनमें दिमाग नहीं है। मैं समझाते समझाते हार गई। वो चक्कर क्या है, मुझसे मुलाकात ना हुई एक एक की, वरना एक एक के दिमाग में बैठा दूं कि तुमसे पैसे लेना, ये समझ लो कि बर्रैया के छता में हाथ देना। हाँ पूरे गांव में तू ही तो समझदार है। अरे और तू ही और तू ही सरमाएदार है, वो समझे? तेरे बाप ने भी कर्जा लिया, सुन ले। अबे चलो, मेरा बाप कैसे से कर्जा लेगा? सौ सुना गया है तेरे बाप को? अच्छा? नीचे गन्नाल डाल के यूं सुनता रहा, निगाह उठा के भी ना देखी माने। मेरा बाप ने कर्जा लिया? जितनी तू लपड़ लपड़ करे ना, पहले अपने घर वान में झांक लो और अपने बाप से पूछ लो। अरे सुन तो ले पहले, कर दूंगी तुम्हारी। सुन तो ले और सुन, बुरा मत मान, मैं तेरे ससुर को ही तेरा बाप कह रहा हूँ। हाँ। सुन ले। हाँ और देख, तू जो जितनी बड़ी जिम्मेदार समझ रही है अपने ससुर को, तेरे जैसे ससुर के जो जिम्मेदार हैं वो ससुर तेरे, उन जैसे मुंह पर सुबह शाम राम राम कर भैया मैं। हाँ लग रहा, उनकी जिम्मेदारी मैंने देखी है। मेरे जब मैं शादी होके आई थी ना, तो मेरे ससुर ने मुझे तुम्हारे खानदान की कहानी पढ़वाई थी। तुम्हारे जो बाप थे ना, वो बुग्गी चला चला के ना बेचारे कहाँ से आ गए, कमर छिल गई, अब बन गए तुम बोरे। हाँ तो वही है ना कि नानी के आगे ननसार की बातें ना करा करो। और रही मेरे ससुर की बात, राम राम की तो छोड़ो, तुम जैसे की सकल तक देखना पसंद नहीं करते वो। सुन ले, उनने अपनी दास्तान बताई कि नई नवेली बहू आई है मेरे घर में, ऐसा ना हो कि मेरी बेइज्जती हो जाए, थू थू करें पूरे गांव वाले, या हमारे उनने उल्टी पट्टी पढ़ाई लाला के खिलाफ। अच्छा तो, हाँ मैं पूछियो जाके अपने ससुर से, क्या रिश्ता है अपने ससुर से पूछियो क्या रिश्ता है। खानदानी नंगे बने राजा हरिश्चंद। अरे गंगाधर जी, गंगाधर जी, अरे आयो ना, आयो बाहर से। लाला, राम राम लाला। राम राम, आए ना आए वो अभी। अरे लाला वो आए तो ही, कहीं दोबारा निकल गए, कह गए कि 8-10 दिन में तुम्हारे दे देंगे पैसा। अरे अब 15 दिन बाद तो मैं खुद ही आया हूँ, 4 दिन को तुमने वादा करो हफ्ते भर को, और अब फिर आऊँ मैं। अरे लाला ऐसा हो कि उनको काम लगा ना, वहाँ बाहर गए तो अब यही अपने खेती बाड़ी को देखने गए, तो कह रहे कि मैं आऊँगा, लाला से कह देंगे 10-12 दिन की मोहलत दे देंगे तुम्हारे पैसा। मतलब मैंने कहा ठीक हो लिया है काम को, के काम मिलेगा तो क्या नाम है, पैसा चुकाओगे हमारे, मोया से कोई मतलब ना है, सुन लो मेरी बात। तुम तो लाला ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे पैसा खा के बैठी है, जैसे हम दंगी ना तुम्हारे पैसा। अरे खा के तो बैठ गए, अरे ना बैठते तो देना देते तो देंगे, खा के बैठे तो देंगे तुम्हारे तो पैसा। हमारे पैसा दो, हम ना ना ना, ना हम जानते ना। और ऐसा अगर तुम पैसा दे रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो तुम हमारी हवेली पे आ जाओ। ऐसे कैसे हवेली पे आ जाए, काहे के लिए आ जाए हवेली, काहे के लिए, हवेली में काम करो, देखवाली करो। लाला मैंने पुण्य का काम कर लो, ऊपर जाके सकल दिखाने ना, कछु ना, ऊपर जाना तो भगवान को सकल दिखाएंगे, तुम्हें ना दिखा रहे हमें, ऐसा है वहाँ पे भोज डालो। सही कह रहे हैं, काम बारे सुन रखे तुम्हारे कारनामे, तुम कैसी हो, तुमने तो गलती कर दी, तुमसे पैसा लेके कछु लेके तो कौन करिए गलती, मेरे से पूछ के लेते ना तो मैं कभी ना कहती कि हाँ तुमसे लो, और भी काम में है उनसे ले लेते पैसा कर्ज। तो जितनी तुम बोल रही हो तो एक काम करो, कैसे उधार ले लो, कैसे पूरा करके दे दो हमारे। ऐसा लाला अब हम कैसे उधार ना ले रहे, वो गए काम लगाने, काम लग जाएगा तुम्हारे, सबसे पहले पैसा दे देंगे हम। तो नए 10-12 दिन रुक जाओ, इतने दिन रुके हो तो देखो मेरी बात सुन लो, ठीक है तुम 8-10 दिन बाद पैसा देगी, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद, कभी जब भी पैसा देगी तुम, जब कभी, एक काम करो तुम हमारी हवेली चलना पड़ेगा तुम्हें। काई के लिए हवेली है, रोटी पानी बनाओ, भोज नया डालो भैंसों को, घेर में उधर पल्ली तरफ है, मैं हवेली से आगे। ए लाला तुम्हें ना कोई शर्म ना आ रही, मेरी का इज्जत रहेगी, उनकी का इज्जत रहेगी काम में है? देखो जी काम में कोई शर्म ना, काम करो, जब पैसा ना दिए जा रहे तुम पे तो कछु तो करो ना। मैं ना जाऊंगी लाला। देखो अगर तुम ना जाओगी तो हम फिर जो है पुलिस में कार्रवाई कर देंगे, सीधी सी बात है, हमने लिखत में लिया है, हमारे पास लाल वो रखा है, हमारे पास खाता है, जामे से हम पैसा देवे, अगर हम पैसा देने जाने तो हम उगाने जाने पैसा। हाँ ये बात सुन लो तुम
हम अब चलेगी ना तुम्हारी, अब चलो हमारे साथ इज्जत के साथ, और इज्जत के साथ ही हम तुम्हें छोड़ जाएंगे, पैसा वो दे देंगे, तुम आ जाना। चलो चलो आ जाओ। दीदी इनके संग कहाँ जा रही हो, अकेली जाया करो। क्या करूँ जी जी, वो है ना मेरे, उनने कर्ज ले लो, वो भुगतान करना पड़ रहा है, अब ले जा रहे हैं पुलिस को लाके धमकी दे के, पैसा ना चुकाए ना हमने। लेके जा रहे क्यों, हवेली में काम करेगी, क्या परेशानी है? अरे तो तुम लेडीज को ले जा रहे हो। अरे तो लेडीज को क्या कर्ज क्या, लेडीज और जेंट्स देखे, कर्ज ना दोगे काई का? कम से कम थोड़ा लिहाज तो किया होता। ऐसा है, हम लिहाज ना कर पाएंगे, सुन ले मेरी बात तू। अरे मैं उस बात के लिए नहीं कह रही हूँ, कम से कम ये तो देख लो अगली का आदमी घर में नहीं है, तुम उसे कैसे ले जा रहे हो? एक बार छोड़ गए वो तो उनकी शराबत है, जो तुमसे कुछ कही ना। अच्छा सुन, ज्यादा नाकदार बन नहीं है तो तू चुका दे। नाकदार तो मैं बहुत हूँ, ये तो तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है मैं बहुत नाकदार हूँ। कम से कम ये है क्या ठिकाने, पूरे गांव में तो सबसे बड़ी नाक तेरी तो है। इंसानियत के नाते अगर उस बेचारी को तरस तो खाया होता। हाँ और जा, चलो मैं चौधराइन मैं दूंगी, चलो पैसे, चलो मेरे घर ले चलो, चलो चल चल। मैं दीदी मायके जा रही थी अपने। अच्छा हाँ, मेरे भैया की सगाई है ना। अच्छा। कल लगून सगाई वाले आ रहे हैं तो जी जी तुम चली जाने। अरे अब लेकिन अब नहीं जाऊंगी मैं। अरे पहले चुकाई कर दे, जनुआ को पकड़ के ले गए, चलो कोई बात नहीं आदमी है। अरे औरत का तो लिहाज किया होता। अरे भगवान करे तुम पे ऐसी मुसीबत आ गए, तू भी मेरे पैर पकड़े बताऊंगा। अबे चलो भसना फिकवाया, मेरा नाम भी नाम नहीं है, पकड़ ले लाला धनी राम, इनके मुंह पे मारना पैसे ले गया। भगवान करे तो सही ऐसी मुसीबत आए। रुक जा, मेरी चौखट लांगने की जरूरत नहीं है फालतू। अरे चल तेरी चौखट लांगेगा कौन, आगे बढ़ ला पैसे ला। तुम जैसे अंदर बुलाने लायक नहीं दीदी। अरे चल चल, हम ऐसे घरों पे ऐसी हवेलियों की तरफ देखते भी ना है। कितने पैसे हैं इनके? ब्याज लगा के 12,500 हैं पूरे। ठीक है हाँ, जल्दी है। ये लो ला। और सुनो इसमें 100 रुपए फालतू है। 100 रुपए फालतू है? हाँ। तो हमें कोई दक्षिणा हमें मत दे ये। अपने अरे सुनो एक मिनट। हाँ, हाँ। अपने फेवरेट बिस्किट खा लेना। वो ऐसा है, वो तेरे ससुर को भेज दूंगा मैं बिस्किट 100 रुपए के। एक बात बताओ, पहले तो आदमियों को जबरदस्ती पैसे देते हो पकड़ पकड़ के, कह रहे तू पैसे ले ले तू पैसे ले ले, फिर उनकी बेइज्जती करते हो। बेइज्जती का कहीं जाके मरा नहीं जाता? क्यों मरे? रग वरग के नीचे लेट ना, ना हम तो हवेली लिखवाते हैं, फिर उसकी कुठरियां लिखवाते हैं, उसकी दुकानें लिखवाते हैं, उसका खेत खलियान लिखवाते हैं। अरे चिंता मत कर तू, जब तेरा ससुर मांगने आएगा ना और तू भी आएगी गड़गड़ाते हुए मेरी लाला, अरे अंग्रेजी अपने पास रख, लाला के आगे अंग्रेजी न चले। अरे जा लाला। जी जी तुमने काई को पैसा दे दिए, मैं दे देती दिन देरी दीदी दे देती मैं। अरे कोई बात नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हो, एक बात बताओ। चलो धनुआ की तो बात अलग है, वो आदमी है ले भी जाएगा तो कोई बात नहीं, एक बात होता है एक महिला को एक महिला का दर्द नहीं आएगा? अब तुम्हें पकड़ के ले जा रहा तो मैं कैसे देख सकती थी, एक ही गाँव की बहू है हम, है अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। अरे इन्हें लाला को तो धरती पे रहना ना, ना ऊपर मुंह दिखाना है। चिंता मत करो मैं ऐसी तगड़म घुमाऊंगी, इस पैसे पैसे तो वसूल मैं अपने आप कर लूंगी। वो तो तुम वसूल कर लोगी, अब तुम्हारे पैसा मैं कैसे दूंगी? अरे वो तुम टेंशन मत लो, वो तो मैं निकाल लूंगी, तुम्हारा भी बच जाएगा मेरा भी बच जाएगा। है? तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो तुम्हें चाय पिलाती हूँ, पहली बार घर आई हो, तुमने उस दिन मुझे लस्सी पिलाई थी ना। चलो चाय बनाती हूँ। ओ धनुआ, अरे धनुआ, अरे इन्होंने दिमाग खराब कर रखा है, बोलो भैया जी क्या बात है, अब छोड़ दो मुझे। हाँ जब तक पूरा खून न चूस लूंगा तेरा, जब तक न छोड़ू तुझे। देखो ऐसा हो गया जी, मैं कमा कमा के दे दूंगा ना तुम्हें, मेरा विश्वास करो। तू कमा के दे देगा? हाँ मैं कमा के दे दूंगा, कसम तुम्हारी, कसम मेरी मत खाइयो, अपने तेरे घर में कोई परिवार में है तू कसम उसकी खा, पिता की खा, माता की खा, भैये की खा, बहन की खा, किसी की भी खा, मगर मेरी कसम मत खा। हाँ
ये याद रखे। और सुन, कान खुल के सुन ले, बारह भैसन ने सबको नहा दे, अरे और सबको भोजन न्यार डाल दे, और बाद में जाके खेत पे ट्यूबवेल चालू करिए। हाँ, ये काम मोर बिल्कुल रेडी चाहिए। अरे तो तैयार। एक बात बताओ, मुझे छोड़ोगे नहीं? छोड़ो, कब छोड़ोगे मुझे? तुम्हें बताया ना, पैसा आ जाएगा तेरा, हम छोड़ देंगे। यही तुम्हें पता नहीं है मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ? ऐसा ये आंखें बटेर किसी मत निकाल। हाँ, इनसे गोटियां खेलूंगा, यहीं पे कंचे खेले हैं कभी, ऐसे ही खेलूंगा। इसलिए काम कर ले काम। अब मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ। पैरों से मेरा कर्जा थोड़ी ना वसूल हो रहा है। पैर पकड़े, तू हाथ दबा, पैर दबा, पैर छू, कुछ भी कर, इससे कर्जा ना अदा होता। कर्जा तो हाथ को हाथ पे। इसका मतलब तुम छोड़ोगे नहीं मुझे? ना ना छोड़ दूंगा, कर्जा दे दे मेरा। सही है मुखिया जी, कर्जा दे दे। सुनो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें छोड़ना पड़ेगा मुझे, देख लेना तुम। अच्छा, और क्या, मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा अच्छा, क्या ठीक है? ठीक है, उसे वक्त को आने दे। हाँ ठीक है, देख लेना, इंतजार कर। लेकिन मुखिया जी, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। जा जा, मेरा बस चलेगा ना, मार दूंगा तुम्हें जान से। हाँ तेरी, अरे धमकी दे के यार, अरे रुक जा।